नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग सिवांगन का ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे हैं, दोस्तों अभी तक हम लोग 1 से लेके 13 तक करा चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 14 को पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल में जितने भी नए लोग होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, उराव शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है, उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। महतो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंध करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पाहन सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों का प्रमुख होता है, ये भी सही है। तीसरा है, कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है, इसे पंचोरा कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि नागवंशी राजाओं का राज चिन्ह क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फन उठाया हुआ तक्षक नाग। क्या है? फन उठाया हुआ तक्षक नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में एक या दो बार होती है। पढ़ा पंच का बैठक कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर। क्या है? राजा गांव या दीवान गांव की सीमा के अंदर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ का क्या अर्थ है? पीड़ का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, कई ग्रामों का समूह होता है जिसे हम लोग पीड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। क्या कहलाती है? मयारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महतों का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है दोस्तों? महतो गाँव का सम्मानित सदस्य होता है। दूसरा है, जिसने गाँव बनाया या बसाया उसे महतो कहा जाता है। महतो का पद वंशानुगत होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जनजाति माल पहाड़िया परिवार होता है। क्या होता है दोस्तों? देखिए, प्रीत सतात्मक होता है और प्रीत वंशीय दोनों होता है। इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, सयाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ उपन्यास है, दूसरे इसका रचनाकार दिया हुआ है, तो सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए सही मिलान करते हैं। देखिए, पहला है कालपुरुष। कालपुरुष हो जाएगा दोस्तों देवेश तांति। क्या हो जाएगा? देवेश तांति। बी है पागलखाना अशोक कुमार आंचल हो जाएगा। आखर चौरसी, ये हो जाएगा कमल। एक दिन बलराम श्रीवास्तव, ये इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय 1960 में झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ है? रांची, ऑप्शन बी में हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में गोस्नर मिशन द्वारा रांची में कौन सा विद्यालय स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संत जेवियर स्कूल। क्या हो जाएगा? संत जेवियर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर असत्य पर विचार करें। देखिए, कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिला का है, बिल्कुल सही है। मतलब झारखंड का लिंगानुपात 950, झारखंड का जो लिंगानुपात है दोस्तों ये 948 है। कितना है? 948 है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है, इसके अनुसार दोस्तों आंसर तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन सही 1950 के जगह पे 1948 होगा। तो झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, ये सही है। तीसरा, झारखंड में लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वां स्थान है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है दोस्तों? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, तो कौन सा नहीं है? पहला है विष्णु पुराण, यह है मुंड, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रयाग प्राशिस्त, ये भी सही है। तीसरा है अर्थशास्त्र, ये कुकुट, ये भी सही है। ये जो है दोस्तों टॉलमी, ये है खुखरा, ये जो है ये गलत है।
टॉलमी जो है दोस्तों ये मुंडल बोला था, क्या बोला था? मुंडल, टॉलमी जो है ये मुंडल बोला था, तो ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडा, हो, भूमिज, ये जो तीनों है दोस्तों ये कौन से समूह में आते हैं? तो कोलेरियन जनजाति समूह में आते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? देखिए, पहला है सदान आदिवासियों के समकालीन कहीं उनसे भी प्राचीन समुदाय है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सदान झारखंड का मूल निवासी है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला एवं दूसरा क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ की क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बंगाल, ऑप्शन डी है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला है झारखंड पार्टी का स्थापना जमशेदपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा है झारखंड राज्य गठन के समय 16 जिलों को मिलाकर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा, ये भी सही है। तीसरा है झारखंड पार्टी का नाम आदिवासी महासभा के नाम परिवर्तित कर दिया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक के कौन थे दोस्तों, सेना के संस्थापक? तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? तो बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1895 में। कब किया गया? 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए, आजसू जो है 1986, तो आजसू का जो स्थापना हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो इसका 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में, ना कि 1986 में। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड पार्टी स्वशासी परिषद, ये सही है। 1895 झारखंड पार्टी 1970, ये भी ठीक है। मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक की मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 अप्रैल 2000, ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 अप्रैल 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? तो खोचा बनारू चतरा का क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है, यह भी सही है। तीसरा है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ए एवं बी दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कौन सही नहीं है, चलिए देखते हैं। बोलता है कि पहला है जदुर डांडी, ये बसंत ऋतु में है, ठीक है। एक साइड नृत्य है, दूसरे साइड ऋतु है, तो जदुर डांडी जो है दोस्तों ये बसंत ऋतु में, ठीक है। दूसरा है गद्दी डांडी, खद्दी डांडी, खद्दी डांडी ग्रीष्म ऋतु, ये भी सही है। तीसरा है कर्मा डांडी, तो कर्मा डांडी जो है दोस्तों ये वर्षा ऋतु में किया जाता है, कब किया जाता है, वर्षा ऋतु में, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है शीत ऋतु, तो ये गलत है। इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। तीसरा, चौथा है माधा डांडी शीत ऋतु, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताया कि अब्दुल हमीद सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अब्दुल हमीद सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, चलिए इसको बता देते हैं। तो विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र जो विभिन्न खेल गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करता है उन्हें अब्दुल हमीद सम्मान से सम्मानित किया जाता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिपन चित्रकारी में कौन सा धार्मिक प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वास्तिक कमल, कलश दीप,
और फूलपति, ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकरा शिल्प में बनाए वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पायला। क्या है? पायला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखराव गणेश देक्सकर किस पत्र के संपादक थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या थे, ऑप्शन बी हो जाएगा हितवाद। क्या है? हितवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पादरियों ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 दिसंबर 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, चलिए देखते हैं। उत्तर, रामकृष्ण का जन्म रांची में हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा है, बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कामिले बुल्के ने किया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल एक एवं दो, क्या है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया, तो देश का पहला ग्रीन स्टेडियम कहाँ बनाया गया दोस्तों, कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ बनाया गया है, जेसीए रांची। क्या है? जेसीए रांची। इसमें खर्च कितना आया था दोस्तों, यहाँ 1,76,00,000 रुपये खर्च किया गया है। कितना किया गया है? 1,76,00,000 रुपये खर्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो हिंदी शब्दकोश का जिक्र गुरु की कोषकार कौन है? तो हो हिंदी कजी गुरु के कोषकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, दयंती सिंकू। क्या है? कौन है? दयंती सिंकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है खल्ली अयंग इंद्रजीत उरांव, ये सही है। पुड़ुक पोकलोर, ये ग्रीनार्ड, ये भी सही है। झारखंड दो मुहाने इग्नेश कुजूर, ये भी सही है। डी है दोस्तों नागवंशावली कंचनी, ये जो है दोस्तों सही नहीं है। नागवंशली का लेखक जो है वो कौन है? बेनीराम महिया है। कौन है? बेनीराम महिया। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता कि निम्न में से कौन सुमेलित है? तो देखिए कौन सुमेलित है, इसका आंसर है, इसका चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है तपस्विनी जो है दोस्तों, ये बोलता है कि सत्यदेव नारायण, तो तपस्विनी जो है दोस्तों इसके द्वारा लिखा गया है, तपस्विनी जो है दोस्तों ये सत्यदेव नारायण, ये सही है। दूसरा है सपनों से बनते हंस बने, ये शंभू बादल लिखा है। समर शेष है, ये विनोद कुमार लिखा है, ये भी सही है। अब यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बिगड़ी हुई बात मंजू सिन्हा, तो बिगड़ी हुई बात जो है दोस्तों ये राधा कृष्ण द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न से कौन सुमेलित है, लेकिन यहाँ पे सुमेलित ने यहाँ लिखना, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बिगड़ी हुई बात है दोस्तों ये कौन लिखा है? राधा कृष्ण ने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सही सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों सूची वन में खिलाड़ी है, सूची टू में खेल है, तो चलिए देखते हैं। पहला है ड्राइविंग, तो ड्राइविंग दोस्तों ये हो जाएगा हेमजीत मिताई। क्या हो जाएगा? ड्राइविंग का हो जाएगा हेमजीत मिताई। उसके बाद है तिरंदाजी का हो जाएगा दोस्तों कर्णु कुमारी। क्या हो जाएगा? कर्णु कुमारी। उसके बाद हो जाएगा जूडो का हो जाएगा आरती कुमारी का हो जाएगा जूडो। उसके बाद हॉकी जो है दोस्तों वो हो जाएगा गोपाल भेंगरा। क्या हो जाएगा? गोपाल भेंगरा। तो ऑप्शन ये इसका कुट का जो दिया हुआ है ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर। पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा, तीसरा का बी हो जाएगा और चौथा का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा संजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? देखिए पहला है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम रांची में स्थित है। तो ये जो स्टेडियम है दोस्तों कहाँ पे है? ये जमशेदपुर में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में, ना कि रांची में है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में है, ये सही है।
तो यहाँ पूछा जा रहा था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, पहला जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1793 ईस्वी में, 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताया कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, झारखंड पुनर्स्थापन व पुनर्वास नीति की घोषणा जुलाई 2008 में की गई थी। पुनः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लाया गया, ये सही है। दूसरा है, तब तक छोटा नागपुर अधिनियम 1908 अधिनियम में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं, अंतिम संशोधन 1995 में हुआ था, तो ये भी दोस्तों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा दोनों क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कश्तकारी अधिनियम 1908 के प्रारंभ के पश्चात भू स्वामी और कश्तकार के बीच की गई किसी संविदा की कोई बात। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब किसी रैयत के अधिनियम के अनुसार भूमि से अधिक भोगाधिकार अर्जित करने से नहीं रोकेगी, सही है। दूसरा है, किसी अधिभोगी रैयत के धारा 321 द्वारा था प्राधिकृत भूमि उपयोग के अधिकार को ना तो छीनेगी या ना सीमित ही करेगी। तीसरा है किसी कष्टकार या भूस्वामी की धारा 61 के अधीन लगान के श्रांसीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार को नहीं छीनेगी। इस तरह इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदोबस्त पट्टे द्वारा। किसके द्वारा? बंदोबस्त पट्टे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, धारा 33 का। क्या हो जाएगा? धारा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 68 के उल्लंघन में अपनी कष्टकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल कर दिया जाए तो इस हेतु आवेदन कर सकेगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ष के भीतर। क्या हो जाएगा? एक वर्ष के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 की इस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? धारा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में विवाह विच्छेद के आधार है, तो विवाह विच्छेद के आधार क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, परस्त्री गमन या व्यभिचार। पत्नी के डायन होने के संबंध संदेह होने पर पुरुष के नपुंसक होने अथवा स्त्री के मांझ होने की दशा में, ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि आदिवासियों के लिए किस प्रकार की जमीन के लिए पुरुष उत्तराधिकारी के रहते औरतों का नाम दर्ज नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मौरूसी जमीन। क्या है? मौरूसी जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण किया हो कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रैयत। क्या कहलाता है? रैयत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के अंतर्गत किस धारा के तहत अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, धारा 9। क्या हो जाएगा? धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग निर्धारण किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर एवं उनसे संबंधित तथ्यों का मिलान कीजिए। चलता है कि राजधानी जो है दोस्तों ये रांची है, ठीक है। उपराजधानी जो है दुमका है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, और उच्च न्यायालय कहाँ है? ये रांची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहला का ये, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्य हैं, कौन कौन से शीर्ष तीन राज्य हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, पहला है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है बुढ़ा नदी, नदी और उद्गम दिया हुआ है, बुढ़ा नदी है, महुआ डांड, ये सही है। दूसरा ब्राह्मणी नदी जो है वो दुधवा पहाड़ी, ये भी सही है। बांसलोई बांस पहाड़ी, ये भी सही है। और रोरो नदी, इसका तमाड़ दिया हुआ दोस्तों। तो रोरो नदी का जो उद्गम स्थल होगा दोस्तों, ये चाईबासा है। कहाँ है? चाईबासा। तो यहाँ पे बोला जा रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तसर रेशम के बारे में बताइए, मतलब कि तसर या रेशम के बारे में बताने बोल रहा है। तो देखिए क्या है, पहला है तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। बी है तसर अनुसंधान केंद्र झारखंड के नगरी में है, ये भी सही है। तीसरा है यह देश का 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ाकर नदी हो जाएगा, और कब बनाया गया? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार है, क्या है दोस्तों आकार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.17 हेक्टेयर। क्या है? 1.17 हेक्टेयर। घाघरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो घाघरी जलप्रपात दोस्तों कौन से ज़िले में है? इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। कहाँ है? लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न से सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी जो है वो सत्य है, बोलता झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 से 2021 के बीच झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 110 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 110 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं, पहला झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई, ये सही है। दूसरा, झारखंड में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 2014 में की गई, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 को केंद्रित किया गया है, किस पे केंद्रित किया गया है दोस्तों? तो देखिए पहला है सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही है। दूसरा है हेल्थ केयर, तकनीकी और ग्रामीण, पर्यटन, जल एवं स्वच्छता, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए विचार करते हैं। पहला है बोलता है कि वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति 2015 में बनाई गई है, यह नीति 2009 का ही महत्वपूर्ण विस्तार है, सही है। दूसरा, नागरिक को समयवृद्ध सेवा देने की शुरुआत 1991 में इंग्लैंड में सिटीजन चार्टर के रूप में हुई थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला और दूसरा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है, तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहला बिचौलिया, दूसरा दुकानदारों के छोटे बटखरे, चूहों द्वारा खाद्यान्न की बर्बादी, ये तीनों है। उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ पे है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन
एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को झारखंड के किस स्थान पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? गोमिया। क्या हो जाएगा? गोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JMNDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है तो कहाँ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तुपुदाना, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 10 करोड़ मानव दिवस। क्या? 10 करोड़ मानव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला है, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा झारखंड में रोशनी योजना लागू की गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है, यह सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल एक क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, समाज कल्याण विभाग। क्या हो जाएगा? समाज कल्याण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजाति आबादी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 50%। क्या है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर के वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी हैं सभी सरकारी विद्यालय के? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोलता है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला है, नक्षत्र वन एवं सिंधो कान्हू पार्क रांची में अवस्थित है, ये सही है। बिरसा मृग विहार काली माटी रांची में अवस्थित है, ये दोस्तों सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा, केवल एक क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग अभयारण्य दोस्तों तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला है, तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो जिला में स्थित है, सही है, सही नहीं है, ये गलत है। तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो जिला में स्थित है। दूसरा है, झारखंड में कुल 14 वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, केवल दो क्या है, गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करने बोला जा रहा है। पहला है, सेमल की लकड़ी से तख्ते पेटियाँ आदि बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, झारखंड में फल उत्पादन में आम, अमरूद, पपीता, केला, नींबू, शरीफा तथा कटहल आदि प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आर्या योजना में आर्या का पूर्ण रूप क्या है? तो आर्या का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, देखिए, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ डॉट इन एग्रीकल्चर। क्या है? अट्रैक्टिंग रूरल यूथ डॉट इन एग्रीकल्चर, यह है आर्या का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुसर्वण एवं समीक्षा के लिए एक अनुसर्वण समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्य सचिव झारखंड। कौन होते हैं? मुख्य सचिव झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला है, ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित पड़ता है। दूसरा है, भूमंडलीय तापमान के कारण ताप प्रदूषण उत्पन्न होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, पहला और दूसरा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जंगलों में एवं अन्य जलाशयों में विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ में सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख कौन पक्षी है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा साइबेरियन क्रेन। क्या है? साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिले में 2019 के मुकाबले फॉरेस्ट एरिया में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दुमका। क्या हो जाएगा? दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के स्तर है, तो जैव विविधता के स्तर क्या है दोस्तों? तो पहला है अनुवांशिक विविधता, दूसरा है प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है, तो जिला स्तरीय सेंटर कहाँ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन ए हो जाएगा धनबाद देवघर जमशेदपुर। कहाँ है? धनबाद देवघर जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो झारखंड का कौन से दो ज़िले भूकंप जोन टू के अंतर्गत आते हैं? कौन से दो ज़िले हैं दोस्तों? पहला गोड्डा साहिबगंज जो उत्तरी भाग में है, ये दोनों झारखंड के कौन से जोन भूकंप के जोन टू में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटना संबंधी आपदाएँ हैं, दुर्घटना संबंधी आपदाएँ कौन है दोस्तों? तो देखिए चलिए देखते हैं, पहला जंगलों में आग लगना, खदानों में पानी भरना, ये भी दुर्घटना संबंधी है। दूसरा आग लगना, तेल का फैलाव, बम विस्फोटक, सड़क हवाई एवं रेल दुर्घटना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला एवं दूसरा ए एवं बी क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1 जून 2016 को देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP का शुभारम्भ किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा ज़िला खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिरों का गाँव मलोटी का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काशी। क्या है? गुप्त काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? कौन से किले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, झरियागढ़। क्या है? झरियागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थान पर देश का तीसरा एवं पूर्वी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगढ़। क्या है? रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सितंबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र के देश भर के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से झारखंड के किस प्रसिद्ध लोकगायक को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर नायक। क्या है? महावीर नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के होंगझोउ में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड कौन सा स्थान पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 20वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड CM फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में PhD और MPhil करने का अवसर मिलेगा। ये जो कथन है दोस्तों ये गलत है, असत्य है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा अनुवंशित है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोलता है यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा अनुवंशित है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जो भी नए लोग हमारे चैनल में होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।